हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे निमसीट में गुड्स मार्क पाने का कुछ अच्छे तरीके। हमका जो एग्ज़ाम डेट है वो है आपका 20 जून 2022। ठीक है, हम लोग कैसे स्कोर करें, जो हम लोग का मार्क्स हो वो 400 to 600 कैसे आएगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम लोग देख लो कैसे हम लोग प्रिपेयर करना है। ठीक है, मान लीजिए एक हमारा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, आप अगर एक दिन में अगर आप 6 to 7 आवर्स पढ़ते हैं तो आप कैसे डिवाइड कीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करना है, पहले कम से कम हम लोग को मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड हो गया, और फिर कंप्यूटर और इंग्लिश हो गया। ठीक है, ऐसे ध्यान देना। सपोज डेट आप 7 आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो 4 आवर्स आपको देना है मैथ पे। ठीक है, 4 आवर्स आपको मैथ पे ध्यान देना है, 2 आवर्स आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है, 2 आवर्स आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है, 1 आवर्स जो है आपके पास उस पर क्या करना है, आपको कंप्यूटर और इंग्लिश पे ध्यान देना है। ठीक है, आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है आप उसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब वो टाइम आ चुका है और आप उसको रिवीजन भी कीजिए। क्या है ना कि प्रीवियस ईयर से मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन रहता है, एक और फॉर्म है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, और सेम क्वेश्चन नहीं है तो पैटर्न सेम रहेगा, ये क्लियर है। ठीक है, आइए हम आपको कुछ चैप्टर बताते हैं जिससे आप अच्छा मार्क्स आप निमसेट एग्जाम में ला सकते हैं। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ्स पे चलते हैं। मैथ्स में क्या है ना, ये जितना आप देख रहे हैं टॉपिक, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना मार्क्स का आता है। ट्रिग्नोमेट्री का क्या है ना, ये हर एक साल इससे कम 4 to 7 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 4 to 7 ये फिक्स है, इसको इतना ही आना है। प्रोबेबिलिटी में देखते हैं क्या आता है, प्रोबेबिलिटी में भी क्या है कि इसमें 4 to 5 क्वेश्चन आता है, 4 to 5 क्वेश्चन आना ही है। वेक्टर में अगर देखा जाए तो वेक्टर से 4 to 6 क्वेश्चन हर एक साल रहता है, और पीएनसी का देखा जाए तो पीएनसी में 3 to 4 क्वेश्चन आपको एवरी ईयर आपको मिल ही जाएगा। अगर देखा जाए टोटल इतना 4 जो चैप्टर है आपका, 1, 2, 3, 4, इसे कितना मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो ये लगभग आपका ठीक है 32-44% मार्क्स आपका टोटल में से ही कवर करता है बस यही 4 चैप्टर। और टोटल क्वेश्चन देखा जाए इसे कितना आता है, टीचर आप देखिएगा कम से कम 15-22 क्वेश्चन आता है बस यही 4 चैप्टर से। अगर आप लोग इसे तैयारी कर लेते हैं ये 4 चैप्टर, तो आपका इसे मिनिमम मार्क्स जो उठेगा आपका, ठीक है, वो आपका उठेगा 180-250 तक आपका ये मार्क्स उठने का लगभग अनुमान है। ये आप लोग बस 4 चैप्टर अच्छा से तैयारी कर लीजिए कम से कम, और जो करना है वो कीजिए। इस 4 चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली जो रेशियो एंड आइडेंटिटी वाला जो क्वेश्चन होता है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैथ्स के लिए तो मैं तो कहूँगा आप आरडी शर्मा जो ऑब्जेक्टिव आता है, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव आता है, उसको तो इतना बना दीजिए कि आपको याद हो जाए, समझे आप, इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपको याद हो जाए, लगभग आपको याद हो जाना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आरडी शर्मा से ही रिपीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है, जो हम लोग को रीजनिंग है जी, ये आप जो चैप्टर देख रहे हैं मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, इसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं नंबर सिक्वेंस 3 से कितना क्वेश्चन आता है, इससे आपको 3 to 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है। कोडिंग और डिकोडिंग से देखा जाए तो 2 to 3 क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, और ब्लड रिलेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पजल भी बनता है। ठीक है, पजल में लगभग 2 to 3 क्वेश्चन इसे रहता है पजल बेस पे। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है। ब्लड रिलेशन जो होता है आपका 3 to 5 क्वेश्चन फिक्स है, समझे। सिलोगिज्म देखा जाए, सिलोगिज्म में क्या होता है आपका 2 to 3 क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपका रहेगा। सिटी गजमेंट भी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी पजल में डाल देता है। ठीक है, पजल बेस्ड क्वेश्चन में सिटी गजमेंट में डाल देता है, जिसमें ये आपको 2 to 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 भी आ जाता है। ठीक है, यही जो मैं बोल रहा था पजल ब्लड रिलेशन, इसको आप बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए RS अग्रवाल का रीजनिंग आता है, ठीक है, स्पेशली ब्लड पजल के लिए, उसमें बहुत अच्छा ब्लड पजल दिया हुआ था, आप RS अग्रवाल को फॉलो कीजिए स्पेशली ब्लड रिलेशन के। ठीक है, इससे आपको देखा है तो लगभग आपका 3 to 5, 3 to 10 to 12
इसमें देखा जाए तो 14, ठीक है, 5 3 8 8 5 8 13, 3 16, 16 4 20, 22, 24, इतना क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, जो कि आपका रीजनिंग का आपका 40 to 50% एक ओवर करेगा इतना। आप अगर इतना कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका रीजनिंग में जो है ना, रीजनिंग में आपका कम से कम मार्क्स जो आएगा, टोटल मार्क्स रीजनिंग का होता है 240, ठीक है, 240 होता है, जिसमें आप क्या कीजिएगा, आपका 92, ठीक है, 120 मार्क्स आपका उठ जाएगा। और आप इतना तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, आप अगर ये चैप्टर कर लेते हैं तो ये फिक्स है, आपका इतना ही आ जाएगा। क्वांट को ऐड कर लीजिएगा इसी में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वांट में कौन 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 सा टॉपिक आता है। चलिए क्वांट में क्या है, जो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है वो है परसेंटेज, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है आपका 2 to 3 क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक या दो क्वेश्चन आता है, यही देखा गया हर एक साल। स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इससे आपको लगभग 2 to 4 क्वेश्चन आ जाता है। इसका टाइम इन्वॉल्व का कोई फिक्स नहीं रहता है, कभी एक आता है कभी दो आता है, लेकिन आता है। अगर आपको क्वांट में इतना कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी जैसे मैं क्वांट में पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, उसके बाद हम एवरेज स्टार्ट करेंगे, रेशियो स्टार्ट करेंगे, तब तो हम लोग टाइम इन्वर्स के बाद स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद टाइम इन्वर्स, पहले टाइम इन्वर्स पढ़ाएंगे उसके बाद स्पीड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हमारा आप वीडियो देखते हैं तो आपका एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप इसके बाद क्या कीजिएगा, आपके पास बचा कंप्यूटर प्लस इंग्लिश, सॉरी कंप्यूटर प्लस इंग्लिश, ठीक है। ये दोनों का मार्क्स देखा है तो 160 होगा। आपको ऐसा तैयारी करना है, कम से कम आपका 90 नंबर आना चाहिए 160 में से, समझे। अब सपोज दैट हमने क्या किया, मैथ में सॉल्व किया, आपको मैथ में कितना बनाया, मैथ में क्या करना है आपको, 182 250 सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको कम से कम 220 मार्क्स मैथ में लाना है, ठीक है। रीजनिंग में आपको लाना है कम से कम 150, ठीक है, और इसमें आप लाना है 90, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 5 2 7 6 2 1 3 4 460 हो जाएगा। आप इसके अबव आप रहते हैं तो आप समझिए आप लोग सेफ जोन में, आपका रैंक अच्छा आएगा। और इससे आप अबव लाते हैं तो आप समझिए कि बहुत अच्छा स्कोर आप गेन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको सब मिलेगा, ठीक है। पहले क्या कीजिए, आप लोग डेली कम से कम प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और आप लोग क्या कीजिए, कम से कम मैथ के लिए मैं कहूँगा, ठीक है, आर डी शर्मा का ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाइए ही बनाइए, जैसे हो कम से कम। जितना मैंने चैप्टर आपको मैथ में बताया, मैथ में आपको जितना भी चैप्टर बताया, कम से कम इसको आप आर डी शर्मा से बना जाइए। ये जो मैथ देख रहे हो, बहुत ही स्कोरिंग इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये 4 चैप्टर कम से कम पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।